हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो हम यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर देख सकते हैं जो IBPS के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, आज उसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबल क्राइटेरिया है, आपको एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, सब कुछ वीडियो में बोल देंगे। आप वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो से जुड़ाइए और 24x7 जॉब इंफॉर्मेशन ऑफिशियल से जुड़ाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सबको बताना चाहता हूँ, मैं आपका IBPS बैंक यहाँ पर है। यहाँ पर आपको जो 11 बैंक आपका जारी हुआ है उसके अंदर ही आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका है होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो जो CRP क्लार्क देख सकते हैं, जो 11 बैंक है यहाँ पर आपको जारी हो गया है। नीचे आपको दे दिया है जो इंस्ट्रक्शन है, ऊपर आप लोग देख सकते हैं आपका जो ऑनलाइन एग्जीबिशन मेन एग्जाम पर नेक्स्ट कॉम रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका होगा। यहाँ पर आपका देख सकते हैं आपका यहाँ पर आपका पहला जो आपका पार्टिसिपेट क्या क्या आपको 11 जो बैंक है। पहला आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक जो पहले इलाहाबाद बैंक था, ठीक है। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया आपका, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंक आपका रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। पर आपका देख सकते हैं आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपका डेट देख सकते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई आपका लास्ट डे से रहेगा, और पेमेंट का भी लास्ट पेमेंट का भी ऑनलाइन देख सकते हैं आप। इसे एक बार आपका लास्ट डे तो सेम है। उसके बाद आपका क्वालिटी जो प्रीमियम एग्जाम होगा ट्रेनिंग का, फिर अगस्त 22, उसके बाद आपका जो कॉन्डक्ट प्रीमियम एग्जाम ट्रेनिंग अगस्त 22, ठीक है। सब कुछ आपका डाउनलोड भी क्वालिटी अगस्त 22 को जारी हो गया है। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीमियम होगा आपका सितंबर में का होगा, और रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा और सितंबर अक्टूबर के बीच में ज़्यादा आपको अक्टूबर अक्टूबर को जारी हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम जो जो मेन है यहाँ पर आपको अक्टूबर में आपको होगा, तो जो ऑनलाइन जो मेन एग्जाम होगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपका 1 अप्रैल 2023 में आपका हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं आपका जो नोटिस जारी हुआ है आपका जो रिक्रूटमेंट जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, डन ऑफ द स्टेट एंड यूटी जो आपका स्टेट वाइज, यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपका जो एलिजिबल क्राइटेरिया आपको क्या होगा। नीचे जो इंस्ट्रक्शन दिया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो आपको यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट नेपाल, भूटान और रिफ्यूजी आपको होना है, उनका जो अलग से इंस्ट्रक्शन दिया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट आपको 20 साल से लेकर 28 ईयर्स आपको एज लिमिट आपको होना होगा, और अलग से पर जो SC/ST 5 साल छूट मिलेगा अपॉर्चुनिटी का। उससे बाद जो OBC उनको 3 साल का, जो PWD है उनके पास 10 साल का छूट मिलेगा, और 120 मैन जीरो मैन हो गया पर्सन इफेक्टेड, ये भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका जो 120 मैन जो SC/ST OBC के द्वारा जो जनरल इंस्ट्रक्शन जारी हो गया है, या फिर देख सकते हैं जो 120 मैन उनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा, सब कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है जो क्वालिफिकेशन आपको डिग्री द ग्रेजुएशन आपको डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी आपको रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्निशन से आपको करना होगा डिग्री। उसके बाद आपको वैलिड मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट द ग्रेजुएट आपको रजिस्टर्ड परसेंटेज ग्रेजुएशन ऑनलाइन को यहाँ पर दे दिया आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटर लिटरेसी, आपको ऑपरेटिंग वर्किंग नॉलेज, कंप्यूटर सिस्टम मैंडेटरी, कैनेडियन शूट ऑफ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज, शूट हैव द स्टडीज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन द टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द सब्जेक्ट द हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट। सबको आपको क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको देख सकते हैं। ग्रेजुएशन आपको कंप्यूटर में आपको रखना होगा में, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका जो पेपर प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर रिजल्ट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ये भी आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद आपका जो मार्क्स पार्टनर कैसे होता है, CGPA OGPA आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका जो कैलकुलेशन जो परसेंटेज आपको रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परसेंटेज मेक्स एवरेज डिवाइडेड टोटल ऑब्टेन सभी सेमिस्टर ईयर्स अरेंजमेंट मैक्सिमम मार्क्स ऑफ कितना, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यूनिवर्सिटी आप लोग क्लास ग्रेड आपको ऑनर ऑफ मार्क्स ओनली, आपको जो फ्रैक्शन परसेंटेज अराइव देखो 15 पॉइंट एटलीस्ट 60% आपको एंड 54.8% विल बी ट्रेडेड बाय लेस देन 55, ये तो आप देख ही सकते हैं। उसके बाद जो डिफेंस ऑफ एक्स सर्विस मैन हो गया, यहाँ पर डिजर्वेबल सर्विस मैन, एक्स सर्विस मैन, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन किल्ड इन एक्शन, ये देख सकते हैं।
उसके बाद आके आपका जो रिजर्वेशन जो बेंचमार्क थी उनके भी लिए पर कुछ इंस्ट्रक्शन जारी हो, सब काफी ज्यादा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे दिया आप लोग, यहाँ पर देख सकते हैं टाइम लेके हाथ में देख सकते हैं, मैं क्यों नहीं बता रहूंगा आपको, आपको टाइम लग जाएगा और खास मेन चीज आपको नहीं बता सकता, ठीक है आप बता दें मैं बता सकता हूँ क्योंकि आपका बहुत टाइम चल जाएगा, इसलिए मैं आपको जो खास जो मेन मेन टॉपिक है वही मैं आपको बताऊंगा, अलग से इंस्ट्रक्शन है वो लोग आप लोग बाद में पढ़ सकते, ठीक है। अब नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो विजुअल कैटेगरी जो आई डी प्रूफ और हेयरिंग एड, ये भी आपका इंस्ट्रक्शन जारी होगा, उसके बाद आके आपका जो PWD है उनका भी एक बार नोटिस जारी होगा, ये भी आप देख सकते हैं, उसके बाद जो होगा EWS आ गया, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ये भी आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद आ गया जो प्री एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सेफ्टी के द्वारा यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दे दिया है, उसके बाद आ गया आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका सिलेबस क्या 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 रहेगा, आपका मेन चीज सबसे होता है आपका फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज होगा, आपको मेरी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 मैक्सिमम 30 आपको, उसके बाद आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, रीजनिंग हो गया, आपको टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपको यहाँ पर होगा, टोटल आपको 60 मिनट आपको यहाँ पर दिया जाएगा, उसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट कर जाएगा, उसके बाद आपको जो मेन एग्जाम होगा आपको देना होगा, जो जनरल फाइनल जो जनरल फाइनेंशियल अलाउंस हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, आपको जो रीजनिंग में एबिलिटी आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, सब लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 हो गया आपका, मैक्सिमम मार्क्स आपको 200 आपको हो जाएगा, तो टोटल आपको जो टाइम आपको देख सकते हैं आपको 160 मिनट आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जस्ट डाउन इंफॉर्मेशन अडवाट है इस वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, ये आपका हो गया जो लिस्ट वर्सन टेस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो CRP जो स्टेट अलॉटमेंट एरिया पर देख सकते हैं, किस बीट सेट से लेकर और उनका लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पर जारी हो गया आप लोग देख सकते हैं, जैसे आपका केरला केरल देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी एंड आपको मलयालम लैंग्वेज बोलना चाहिए और लिखना सब चाहिए, आप लोग जानते हो कि जिस स्टेट से बैंक आप लोगों को उसका लोकल लैंग्वेज आपको जानना होगा, ठीक है। उसके बाद आया गया आपका जो उत्तर प्रदेश हो गया इंग्लिश हिंदी उर्दू हो गया, उत्तराखंड हो गया इंग्लिश हिंदी, वेस्ट बंगाल हो गया इंग्लिश हिंदी, बंगाली आपको जानना चाहिए जो उसका लोकल लैंग्वेज होगा है, एग्जामिन सब जानते हैं आपका आईडी प्रूफ वैलिड प्रूफ और आपका जो वैलिड कॉलेज सब कुछ आपको प्रिंट करके आपको ले जाना होगा, और नीचे भी अलग से आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद आपका जो कट ऑफ मार्क्स कितना रहना चाहिए, ठीक है ये भी इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया है, और प्रीवियस अलॉटमेंट कैसे क्या होगा इंस्ट्रक्शन के द्वारा आपको यहाँ पर आपको देख सकते हैं, और नीचे आपका प्रोसेस दिया है कैसे क्या आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है अभी आप देख सकते हैं, क्लियर नहीं होगा तो SC ST OBC का जो प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट है वो उनसे डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्रोसीड्यूर कैसे क्या होगा ये आपको सर, आपको रेशन कार्ड आपको नहीं भेजना होगा, ठीक है आपको आपको आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आई डी कार्ड ये सब कुछ आपको ले जाना होगा, आप सोशल डिस्टेंस करके आपको एग्जाम देना होगा, मार्क्स ग्लाव पर्सनल स्प्रेड बोतल वाटर बोटल सिंपल पेन आपको ले जाना होगा, नीचे भी देख सकते हैं आपको इंस्ट्रक्शन आप हाउ टू कैसे अप्लाई करना होगा, आप जानते हो कि वो जो जाके आपको अप्लाई करना होगा, और आपको यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिया है फोटोग्राफ लिफ्ट इंप्रेशन सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट का ये आपका मेन चीज है, पेमेंट कितना पैसा देना पड़ेगा आपको, जो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पेमेंट हो गया जिस जो यहाँ पर जनरल कैनल से उनको यहाँ पर 850 जितना पड़ेगा इंक्लूसिव GST, और यहाँ पर जो SC ST PWD SC पे उनको यहाँ पर 170 देना होगा, और उनको अलग से जो GST भी लगेगा वो उनको देना पड़ेगा, ठीक है आपको ऑनलाइन में आपको पेमेंट करना होगा, और ये तो आपका हो गया क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको फोटोग्राफ लेफ्ट इंप्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन सब कुछ क्या क्या लगेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अलग वैली और आपको यहाँ पर देन देना होगा अप्लाई करने से वैलिड ईमेल आई डी मोबाइल नंबर आपको देना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको नोटिस इंस्ट्रक्शन आपको सब कुछ आएगा, और नीचे भी देख सकते हैं सब काफी बड़ा यहाँ पर PDF है आप देख सकते हैं, जितना भी आप खोलेंगे उतना ही नीचे आपका आपका जो इंस्ट्रक्शन है आपका यार
हो जाएगा। पर जो मेन जो इंस्ट्रक्शन था मैंने आपको पहले बता दिया था, आप देख सकते हैं नीचे आपका क्या क्या क्या, आपको देख सकते हैं आपका जारी हो गया है बैंक बेड़ा, जो उसके डाटा बनने के ऊपर आ गया, आपका जो आंध्र प्रदेश हो गया देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश हो गया, कितने बैंक के, आसाम हो गया, चंडीगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, आपका दिल्ली, आपका दिल्ली हो गया, कितना वैकेंसी जारी हो गया है, ठीक है, तो आपका हो गया, ठीक है, कितना कितना वैकेंसी आपको कितना आएगा एक बार देख सकते हैं। स्टेट्स स्टेट्स वाइज अब स्टेट्स सभी नहीं है, पर आप मैं आपको थोड़ा आपका इंस्ट्रक्शन मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे बताऊंगा। तो पहले क्या था, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा पर नहीं होगा आपका जो बैंक ऑफ इंडिया है, पर एपर हो गया, बैंक ऑफ कैनरा बैंक हो गया आपका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक उसका तो हो गया, उसके बाद देख सकते कितने बैंक आपका एनओटीपी बैंकिंग सबको दे दिया है, आप एपर देख देख सकते हैं क्या क्या बैंक आपको कितने स्टेट में, आपको क्या स्टेट में कितना वैकेंसी आपको जारी हो गया हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका होगा, बाद में देख सकते हैं मिजोरम हो गया, उड़ीसा हो गया, पुडुचेरी हो गया, पंजाब हो गया आपका, उसके बाद आपको तमिलनाडु हो गया, राजस्थान है, इसके बाद आपके पहले देख सकते हो तेलंगाना हो गया, यहाँ पर काफी ज्यादा आपको दे दिया है, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, ठीक है, उत्तराखंड हो गया आपका, सो यहाँ पर दे दिया आपको क्या, आपको मेन एग्जाम सेंटर और आपको मेन मेन एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर दे दिया है, आप किस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके द्वारा आपको एग्जाम आपको यहाँ पर दे दिया है। मैं आपको वेस्ट बंगाल बिलोंग करते हैं, आपको आसान से दुर्गापुर, ग्रेटर कलकत्ता, हुगली, कल्याणी, सिलीगुड़ी आपका हो गया, मेन से आसान से ग्रेटर कलकत्ता, कल्याणी हो गया और सिलीगुड़ी हो गया, नीचे भी आप देख सकते हैं कितना इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया है। सो पीडीएफ और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर हम, ठीक है, कमेंट करके बताना जरूर हम रिप्लाई करते हैं, ठीक है, और वीडियो दूसरे साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको जॉब रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, हमारे सैलरी में हर रोज वीडियो आते हैं, आप रोज देख, चले मैं अब चलता हूँ, सभी के बेस्ट प्लेयर, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है, चलिए बाय।